मराठा समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं, विधायक और मंत्री को रोका जा रहा है, गांव गांव में घुसकर उनके घर जलाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से उध्वस्त है, मनोज जरांगे पाटिल का अनशन दिनों दिन लंबा खिंचता जा रहा है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। हम चाहते हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत देश का विषय नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय में जहां महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जहां महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, वहां कौन सी राजनीति हो सकती है। यहां सभी राजनीतिक दल जो महाराष्ट्र में है एक साथ आकर ये प्रश्न के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और समस्या का निवारण होना चाहिए, शिवसेना की भूमिका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो गैरकानूनी मुख्यमंत्री है एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, वो बैठक में ऐसे अरे गहरे नथुलाल को सभी को बुलाया गया जिसके एक भी विधायक नहीं है, ना एक सांसद है, ना खुद सांसद विधायक है, ना जनता का समर्थन है, ऐसे 20-25 लोग हैं जिनको बुलाया उस बैठक में। लेकिन जो पार्टी कल तक सत्ता में थी, जिस पार्टी ने महाराष्ट्र को 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं, हाँ जिस पार्टी के कल तक 20 सांसद थे, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कल तक रहे, आप भी उस पार्टी में रहे मुख्यमंत्री जी, आज भी उस पार्टी के 16 विधायक और 6 सांसद हैं, आप उनको नहीं बुलाते ऐसे महत्वपूर्ण बैठक में जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है समाज में, जिस पार्टी को समाज में समर्थ है, आप उनको नहीं बुला रहे, ये क्या चल रहा है? ये अपना व्यक्तिगत जो द्वेष है वो आप निकाल रहे, भड़ास निकाल रहे, ऐसी राजनीति नहीं चलती कभी। तो ठीक है, मैं यही कहता हूं कि मुझे मान सम्मान की जरूरत नहीं है, हमें यह प्रश्न का समस्या निकालो और मनोज जरांगे पाटिल का जो अनशन है उनकी प्राण की रक्षा करो, इतना मैं करूंगा।